हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनु शर्मा एंड दिस इज सिविल सेक्शन। वेलकम यू ऑल हेयर। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट कर चुके हैं और अभी हम एक एक्सपर्ट की बुक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इंडियाज एंशियंट पास्ट और इसके राइटर हैं RS शर्मा। तो इसका आज हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर 4, और चैप्टर 4 का नाम है ज्योग्राफिकल सेटिंग, यानी हम देखेंगे इसमें कि इंडिया की ज्योग्राफिकल सेटिंग कैसी है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम जानेंगे कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडिया का इमर्जेंस कैसे हुआ, फिर हम जानेंगे कि यहाँ पर मानसून का क्या रोल है, फिर हम देखेंगे इंडिया की नॉर्दर्न बाउंड्रीज़ के बारे में, यहाँ की रिवर्स के बारे में। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो नेचुरल फ्रंटियर्स हैं और जो कल्चरल कॉन्टेक्ट्स हैं वो किस तरीके से बने, और फिर जानेंगे यहाँ पर कुछ मिनरल्स के बारे में और रिसोर्सेज के बारे में। ओके, तो आइए स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, इंडिया का इमर्जेंस कैसे हुआ, तो सबसे पहले इसका हम थोड़ा सा बेस जान लेते हैं। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि एक टाइम था जिसमें सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स जो थे वो एक सुपर कॉन्टिनेंट के पार्ट थे। ओके, और वो सुपर कॉन्टिनेंट का नाम था पेंजिया, राइट। कुछ रीजंस की वजह से, जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स एक बहुत बड़ा रीज़न था, और ये जो सुपर कॉन्टिनेंट था ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ। एक पार्ट को बोला गया लॉरेशिया और दूसरे पार्ट को बोला गया गोंडवाना, राइट। तो इंडिया जो है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ओके, और इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जो गोंडवाना लैंड के पार्ट हैं, तो अभी हम उसको देखते हैं। तो ओरिजिनली जो पेनिनसुलर इंडिया है वो किसके साथ में मिला हुआ था, वो एंटार्क्टिका, अफ्रीका, अरेबिया एंड साउथ अमेरिका, इन सब का ये एक पार्ट था। और ये सारे के सारे, यानी इंडिया का कौन सा पार्ट, पेनिनसुलर पार्ट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पेनिनसुलर का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इंडिया का ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला, इसको बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया। क्यों ऐसा बोला जाता है फ्रेंड्स, जब भी कोई लैंड का टुकड़ा, यानी एक ज़मीन का टुकड़ा तीन पार्ट से, यानी तीन जगह से वाटर से कवर्ड होता है, तो उस पार्ट को हम बोलते हैं पेनिनसुला, राइट। तो इंडिया जो है यहाँ पर भी क्या है, तीन जगह से किससे कवर्ड है, ये सी से कवर्ड है। यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अरेबियन सी है, इस जगह पर बे ऑफ बंगाल, और नीचे है इंडियन ओशन, राइट। तो ये तीन जगह से किससे कवर्ड है, सी से कवर्ड है, इसीलिए इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं, राइट। तो पेनिनसुलर इंडिया, एंटार्क्टिका, अफ्रीका, अरेबिया, साउथ अमेरिका, ये सब के सब एक सुपर कॉन्टिनेंट के पार्ट थे जिसको बोला जाता है गोंडवाना। ओके, गोंडवाना लैंड के नाम से इसको जाना जाता है, अभी हमने देखा यहाँ पर। ओके, इसके बाद में ये जो गोंडवाना था, पहले के टाइम में ये किसके साथ था, ये नॉर्दर्न सुपर कॉन्टिनेंट के साथ में था जिसका नाम था लॉरेशिया। ओके, अभी हमने यहाँ पर देखा कि जो पेंजिया था वो किसमें पार्ट, कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, टू पार्ट्स में, एक को बोला गया लॉरेशिया, दूसरे पार्ट को बोला गया गोंडवाना, राइट। तो इन सबको मिला के क्या बना था, सुपर कॉन्टिनेंट था हमारा, ये बहुत बड़ा एक सिंगल लैंड मास, इसको बोलते हैं पेंजिया। ओके, तो ये चीज़ें याद रखने, ये ज्योग्राफी में भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये हिस्ट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से ही हम कोरिलेट करना स्टार्ट करेंगे इंडिया को, तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना। गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया जो थे ये सेपरेट यूनिट्स बन गए। रीज़न क्या थे, रीज़न इसके पीछे कुछ थे कि टेक्टोनिक मूवमेंट्स हो रही थी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, जिसकी वजह से ये ब्रेक अवे हो गए, और गोंडवाना लैंड जो था उसके भी टुकड़े हुए, और उसमें से ये सारे सारे हिस्से बने थे। कौन कौन से, एंटार्क्टिका, अफ्रीका, अरेबिया, साउथ अमेरिका और इंडिया का पेनिनसुलर वाला हिस्सा, राइट। उसके बाद में ये जो प्रोसेस था ये एक्चुअली कब स्टार्ट हुआ, ये 225 मिलियन ईयर अगो, यानी 225 मिलियन साल पहले ये चीज़ें शुरू हुई थी, और लगभग 40 मिलियन पहले इंडिया एक सेपरेट यूनिट बना था, यानी कि गोंडवाना लैंड से इंडिया जो था वो अलग हुआ था। और फिर इंडिया ने नॉर्थवर्ड मूवमेंट की, यानी इंडिया ने कहाँ स्टार्ट किया, नॉर्थ ईस्ट चलना स्टार्ट किया, और उसने ज्वाइन किया यूरेशियन कॉन्टिनेंट को। अब ये यूरेशियन कॉन्टिनेंट क्या चीज़ है, तो फ्रेंड्स, यूरेशिया का मतलब ये है यूरोप प्लस एशियन कॉन्टिनेंट, इसको मिला के बनता है हमारा यूरेशिया। ओके, तो इंडिया ने क्या किया बाद में, जब उसने नॉर्थवर्ड मूवमेंट स्टार्ट की तो उसने यूरेशियन कॉन्टिनेंट को ज्वाइन किया, और ये लगभग कब हुआ था, 58 to 37 मिलियन साल पहले ये चीज़ें होनी शुरू हुई थी। तो फ्रेंड्स, हिमालयज जो थे हमारे, उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया किस चीज़ में, इंडो गैंगटिक प्लेन्स को फॉर्म करने में। तो आपको पता होगा इंडो गैंगटिक प्लेन्स कौन से, यानी जितनी भी हमारे यहाँ पर प्लेन एरियाज हैं उनको हम लोग इंडो गैंगटिक प्लेन कहते हैं, क्योंकि ये गंगा रिवर सिस्टम के वजह से ही यहाँ पर ये प्लेन्स डेवलप हुए हैं। ओके, तो ये जो इंडो गैंगटिक प्लेन्स थे कैसे बने,
क्योंकि यहाँ पे जो हिमालयन रिवर्स थी उनकी वजह से यहाँ पे एलुवियल डिपॉजिट इकट्ठा हो गया, यानी एलुवियल जो सॉइल थी वो पूरी इकट्ठी हुई यहाँ पे। और जब वो एलुवियल इकट्ठा होता रहा तो वहाँ पर क्या बन गया, वहाँ पर प्लेन एरियाज बन गए, राइट। तो आज जो हम देखते हैं नॉर्दर्न पार्ट में जितनी भी प्लेन एरियाज हैं वो कैसे बने हैं, वो रिवर की वजह से ही बने हैं। कौन से? इंडोगैंगटिक प्लेन्स बोलते हैं इनको, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ये बिल्कुल उतना ही बड़ा है जितना यूरोप, अगर यूरोप से रशिया निकाल दिया जाए तो जितना यूरोप बनता है हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट लगभग उतना ही बड़ा है। और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है हमारा, इसको हम 5 कंट्रीज में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी हैं? इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड पाकिस्तान। तो आप एक काम करेंगे, आप इंडियन मैप लेंगे और वहाँ पर ये सारी की सारी कंट्रीज़ को लोकेट करेंगे, यानी देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर कौन सी कंट्री है, ओके। इससे चीज़ों को समझने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो 5 कंट्रीज़ में डिवाइडेड है। कौन कौन सी 5 कंट्रीज़ हैं? इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड पाकिस्तान, ओके। और जो इंडिया है, इंडिया भी 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइडेड है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है रोल ऑफ द मानसून, यानी कि जो इंडियन मानसून है उसका क्या रोल है इंडिया के लिए। तो फ्रेंड्स, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है ये एक वेल डिफाइंड ज्योग्राफिकल यूनिट है, और ये ज़्यादातर कहाँ पर सिचुएटेड है? ट्रॉपिकल जोन में सिचुएटेड है। अब ये ट्रॉपिकल जोन क्या होता है, तो थोड़ा सा हम इसका ओवरव्यू भी देखते हैं, ओके। तो फ्रेंड्स, ये सपोज करिए ये हमारा ग्लोब है, यानी ये हमारी अर्थ है, ओके। ग्लोब मतलब क्या है? ग्लोब एक मॉडल है अर्थ का, ओके। तो ये इसके ऊपर साइंटिस्ट ने कुछ इमेजरी लाइन बनाई है जिससे चीज़ों को इजी किया जा सके। तो वो इमेजरी लाइन क्या है? वो है लेटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। तो अभी हम यहाँ पर सिर्फ लेटिट्यूड्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो अर्थ है इसको एक लाइन डिवाइड करती है, वो है इक्वेटर, ओके। ये रियल में नहीं है, ये इमेजरी लाइन है, ओके। सहूलियत के लिए किया हुआ है ये इंसान ने अपनी। और यहाँ पर किया है, यहाँ पर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ओके। और यहां पर नीचे की तरफ है ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ओके। तो ये वाला जो एरिया है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का जो पूरा एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन, राइट। तो अब इसमें इंडिया कहाँ पर है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो हुआ हमारा अर्थ, ओके। ये हुआ इक्वेटर, यहाँ पे हुआ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इंडिया जो है ये यहाँ पर है, यानी आपने देखा होगा कभी इंडियन मैप, तो इंडिया को जो एक लाइन है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, लगभग दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, वो कौन सी लाइन है? वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ओके। तो ये वाला हिस्सा जो है ये है हमारा ट्रॉपिकल जोन, और ये वाला जो है ये आता है सब ट्रॉपिकल जोन में, राइट। तो आपको समझ आ गया होगा कि इंडिया को हम क्यों बोलते हैं कि इंडिया कहाँ पर है? ट्रॉपिकल जोन में सिचुएटेड है, ओके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हमारे यहाँ पे जो मॉनसून है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसने इंपॉर्टेंट रोल हिस्ट्री में भी प्ले किया है। अब ये मॉनसून का मतलब क्या होता है, ओके। ये अरेबिक वर्ड मौजिम से बना है। मौजिम का मतलब होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, यानी जो विंड्स का सीजन के अकॉर्डिंग रिवर्सल होता है उसी को मॉनसून कहा जाता है। हमारे यहाँ पे नॉर्मली मॉनसून कैसे बोलते हैं? बारिश का सीजन आ गया तो वो मॉनसून, नहीं। वो एक बहुत ही नैरो कॉन्सेप्ट है। इसका वाइडर कॉन्सेप्ट क्या है कि जो मॉनसून है, मॉनसून का मतलब क्या है? सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, राइट। तो हमारे यहाँ पर विंड्स का सीजनल रिवर्सल होता है, सीजनल रिवर्सल होता है, और इसीलिए हमारा जो क्लाइमेट है वो कैसा है? मॉनसून टाइप क्लाइमेट है इंडिया का, ओके। तो ये चीज़ें याद रखनी है क्योंकि ये चीज़ ज्योग्राफी में फिर से रिपीट होंगी, ओके। तो अभी आप इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो हमारे यहाँ पे जो साउथ वेस्ट मॉनसून आता है वो क्या करता है? जून टू अक्टूबर में बारिश लेके आता है, यानी इसकी वजह से ही, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से ही हमारे यहाँ पे बारिश आती है। अब ये साउथ वेस्ट मानसून क्या है तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ये वाला पार्ट क्या है? हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, राइट। यहाँ पे ये वाला हिस्सा क्या होगा? ये होगा साउथ वेस्ट, और यहाँ से जो एयर आएगी, यानी जो विंड आएगी, मॉइस्चर वाली जो एयर आएगी उसी को हम बोलेंगे साउथ वेस्ट मॉनसून। तो मतलब यहाँ से जो हवाएं आती हैं उसकी वजह से हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, यानी साउथ वेस्ट मॉनसून ही हमारे यहाँ पे बारिश लेके आता है। यानी ये जो हवा है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, दो ब्रांच बन जाती है इनकी, ये भी हम जानेंगे ज्योग्राफी में, ओके। तो इनकी वजह से हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश आती है। अब उसके बाद भी क्या होता है, विंटर में इनका रिवर्सल होता है, इन विंड्स का, उनको बोलते हैं हम लोग नॉर्थ ईस्ट मानसून, ओके। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून, तो ये हवाएं जो यहाँ से गई हैं अभी वापस भी तो आएंगी, ऐसे करके लौटेंगी ये हवाएं, है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं
रिवर्सल, ये क्या हो रहा है, ये सीजन के अकॉर्डिंग क्या हो रही है हवाएं, ये रिवर्स हो रही है, इसीलिए इनको क्या बोलेंगे, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, राइट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मॉनसून का मतलब क्या होता है। तो हमारे यहाँ पे जब ट्रेडर्स आते थे अरेबियन कंट्रीज से, यानी हमारे यहाँ पे जब ट्रेडर्स आते थे, तो वो इन्हीं मानसून का वेट करते थे, यानी इन्हीं विंड्स का वेट करते थे, क्योंकि जब साउथ वेस्ट मानसून आएगा तो उसकी हेल्प से ये इंडिया में एंट्री करेंगे, और जब नॉर्थ ईस्ट मानसून आएगा उस टाइम पर ये वहाँ से एग्जिट करेंगे। ओके, फर्स्ट सेंचुरी एडी के आसपास मानसून को डिस्कवर किया था, और किसने किया था, वो जो हमारे यहाँ पे ट्रेडर्स आते थे और जो हमारे यहाँ पे सेलर्स आते थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। वो इन विंड्स को, यानी साउथ वेस्ट जो मानसून होती हैं, उनकी हेल्प से वो इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ आते थे, और वो वापस कब जाते थे, जब नॉर्थ ईस्ट मानसून आता था। यानी ये जो डिस्कवरी हुई थी मानसून की, इसकी वजह से इंडिया में जो ट्रेड था वो बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हुआ था। और इसकी वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ पर वेस्टर्न एशिया से लोग आते थे, यानी ट्रेडर्स आते थे, यहाँ पे मेडिटेरेनियन एरिया से आते थे, और वो साउथ ईस्ट एशिया की तरफ भी जाते थे, तो इससे क्या हुआ, कल्चरल मिक्स हुआ। यानी हमारे यहाँ का एक कल्चर था, ये जो हमारे यहाँ पे ट्रेडर्स आते थे, ये अब इनका अपना एक कल्चर था, तो ये जब यहाँ पर आएंगे, यहाँ का ऑलरेडी एक कल्चर है, ये यहाँ पर आए हैं तो अपना एक कल्चर लेके आए, तो यहाँ पे क्या हुआ, इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर हुआ। और एक इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर होने से क्या हुआ, एक नई चीज़ निकल के सामने आई, दैट इज़ नोन एज डाइवर्सिटी। तो इसीलिए इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे कल्चर का इंटरमिक्सिंग बहुत ज़्यादा हुआ है, राइट। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें बात की गई है द नॉर्दर्न बाउंड्रीज। तो आपने अगर इंडियन मैप देखा होगा, तो उसकी नॉर्दर्न बाउंड्रीज जो है इंडिया की, वो किससे सराउंडेड है, वो है हिमालय से सराउंडेड। ओके, तो अगर इंडियन मैप हम लोग देखेंगे, तो पेनिनसुलर वाला जो पार्ट है ये तो सी से सराउंडेड है, और ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये वाला जो हिस्सा है पूरा का पूरा, ये माउंटेन से कवर्ड है, ठीक है। यही नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट जो है ये हिमालय से कवर्ड है, और नीचे वाला पार्ट किससे कवर्ड है, ये सी से कवर्ड है। अब हिमालयस का हमारे इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो सेंट्रल एशिया से हवाएं आती हैं, बहुत ठंडी हवाएं जो आती हैं, कोल्ड आर्कटिक विंड्स जिसको हम लोग बोलते हैं, साइबेरियन कंट्री से आती हैं और या सेंट्रल एशिया से आती हैं, तो वो इतनी ठंडी होती हैं कि वो जमा देती हैं इंसान को। लेकिन ये जो हिमालयाज हैं, ये उन हवाओं को इस तरफ नहीं आने देते, तो इसीलिए हमारे यहाँ पर बहुत सीवियर विंटर्स नहीं होती हैं। ओके, दूसरा फायदा क्या है हिमालयस का, ये इतने ज़्यादा हाई हैं, इससे क्या होता है कि इंडिया के अगेंस्ट जो इन्वेजन होते हैं नॉर्थ की तरफ से, वो रोकते हैं हिमालयस, क्योंकि ये बहुत रफ टेरेन है और इसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए जो इन्वेजन होते हैं उनको हिमालयस रोकते हैं। इसके अलावा इन हिमालयस में पासेज हैं, पासेज का मतलब ये होता है कि पहाड़ों के बीच में जो रास्ता होता है ना निकलने का, उसको हम पासेज कहते हैं। तो यहाँ पर पासेज की वजह से इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में प्री हिस्टोरिक टाइम में ट्रेडिंग होनी शुरू हुई थी, यानी यहाँ पर व्यापार होना शुरू हुआ था। ओके, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आए थे, वो कौन कौन से थे, ईरान से आए, अफगानिस्तान से, सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए, कुछ तो ट्रेडर के रूप में आए थे, और कुछ उन्होंने यहाँ पर इन्वेड किया था, यानी हमारे यहाँ पे अटैक किया था। हिमालयाज में बहुत सारी वैलीज देखने को मिलती हैं। वैली क्या होती है, वैली का मतलब जो वी शेप होता है, इसको वैली बोलते हैं। जैसे होता है ना, ये हो गए माउंटेन, और इनके बीच में ये क्या बनी हुई है, वैलीज बनी हुई है। कैसे बनती हैं वैलीज, माउंटेन, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, रिवर निकलनी शुरू हुई। अब रिवर क्या करेगी, इन पार्ट्स को इरोड करेगी, और इरोड करेगी तो फिर क्या होगा, यहाँ पर वैलीज क्रिएट होंगी, है ना, तो इनको बोलते हैं वैली। ओके, घाटी जिसको बोला जाता है हिंदी में। तो हिमालय में बहुत सारी वैलीज भी हैं, जैसे कश्मीर वैली हो गई, और नेपाल में बहुत सारी वैलीज हैं। विंटर में क्या होता है, जो यहाँ पर नॉर्दर्न एरियाज में, यानी इन जगहों पे जो लोग होते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो नीचे आ जाते हैं, यानी प्लेन एरियाज में। और जब यहाँ पर मतलब मौसम ठीक हो जाता है ऊपर की तरफ, तो ये क्या करते हैं, वापस ऊपर चले जाते हैं समर में। ओके, तो ये कौन करते हैं इस काम को, शेफर्ड्स करते हैं, जो चरवाहे होते हैं ना, वो इस काम को करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा लोगों ने इन्वेड किया, यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर्स आए, तो इससे क्या हुआ, इकोनॉमिक और कल्चरल इंट्रैक्शन हुआ, किसका, वैली के लोगों का और प्लेन वाले एरियाज का। तो इससे क्या हुआ, न्यू कल्चर इस्टेब्लिश हुआ। और फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं, क्योंकि हिमालयस के जो टेरेन है वो बहुत ज़्यादा रफ है, बहुत ज़्यादा रफ टेरेन है, तो उनको क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। तो ज़्यादातर अगर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो नॉर्मली वो रिवर्स का यूज़ करते थे। तो इस तरीके से हमारी नॉर्दर्न बाउंड्री ने हमको हेल्प किया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है रिवर्स। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रिवर्स जो है हमारे यहाँ पर, वो उसको हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, एक है हिमालयन रिवर्स
और दूसरी है पेनिनसुलर रिवर। ओके, हिमालयन रिवर्स को भी हम तीन पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, वो कौन कौन से हैं, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। और इसके अलावा पेनिनसुलर जो रीजन है हमारा, वहाँ पे जो रिवर्स हैं, वहाँ पे बहुत सारे रिवर्स हैं, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी और बहुत सारे रिवर हैं हमारे यहाँ पे पेनिनसुलर वाले हिस्से में। तो ये जब हम ज्योग्राफी करेंगे उस टाइम पे इन रिवर्स के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे। तो अभी के लिए आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पे दो टाइप का सिस्टम है, एक तो हिमालयन रिवर सिस्टम है और एक पेनिनसुलर। हिमालय में क्या है, तीन रिवर सिस्टम है, एक इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ओके, और इन्हीं रिवर्स की वजह से हमारे यहाँ पे प्लेन एरियाज जो हैं वो फॉर्म हुए हैं, राइट। तो जो जो हिस्टोरिकल इंडिया का हार्ट है वो कैसे फॉर्म हुआ, इंपॉर्टेंट रिवर्स की वजह से। इसमें कौन कौन से रिवर हैं, इंडस सिस्टम है, इंडो गैंगेटिक डिवाइड है, गैंगेटिक बेसिन है, ब्रह्मपुत्र बेसिन है, देखा ना अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले, तो वो सारे सिस्टम यहाँ पर इस तरीके से हमारे यहाँ पे इन सिस्टम की वजह से ही प्लेन्स फॉर्म हुए। अगर हम लोग रेनफॉल की बात करें तो हमारे यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट, अब वेस्ट टू ईस्ट किस तरफ होता है, जैसे कि डायरेक्शंस हैं, इस तरफ होता है नॉर्थ, यहाँ होता है साउथ, ये है वेस्ट और ये है ईस्ट। ओके, तो अगर हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं तो हमारे यहाँ पे रेनफॉल बढ़ता जाता है, यानी वेस्ट में हमारे पे बहुत कम बारिश होती है, लगभग 25 सेंटीमीटर तक, और यहाँ पर ईस्ट में जब हम पहुँचते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वो है 250 सेंटीमीटर की अप्रॉक्स। इसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं, वो भी हम ज्योग्राफी में ही जानेंगे। और जिस टाइम पर ये जो इंडो गैंगटिक प्लेन्स हैं, जब एक बार यहाँ पे कल्टीवेशन शुरू हुआ, उसके बाद यहाँ पर बहुत ही रिच क्रॉप प्रोड्यूस होनी शुरू हुई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, और यही रीज़न है कि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ की सॉइल बहुत फर्टाइल है, क्योंकि यहाँ पे नदियाँ हैं, और नदियाँ क्या करती हैं, एलुवियल डिपॉजिट यहाँ पर लेके आती हैं, जिसकी वजह से वो सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल बन जाती है, और जहाँ पर खेती पॉसिबल है लोग वहीं पर जाके बसेंगे, इसीलिए पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा रिवर्स जो हैं वो कॉमर्स और कम्युनिकेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि एंशियंट टाइम में रोड्स बिल्ड करना बहुत डिफ़िकल्ट हुआ करता था, तो जो सामान था यानी जो मटेरियल होता था या मैन जो होते थे वो कैसे मूव करते थे, वो बोट्स के थ्रू मूव करते थे, यानी रिवर के थ्रू वो मूव करते थे। जो रिवर्स थी उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को भी सेटअप होने में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, वो भी हम जानेंगे आगे के क्लासेस में, यानी आगे जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें हम जानेंगे किस तरीके से रिवर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हमारे यहाँ पर इस्टेब्लिश होने में हेल्प किया था। रिवर्स जो होती हैं ये पॉलिटिकल और कल्चरल बाउंड्रीज़ को भी डीमार्केट करती हैं। तो आपने देखा होगा कि पहले के जो टेरिटरीज होती थी वो कैसे डीमार्केट होती थी, रिवर की, यानी कि रिवर का एक इस तरफ वाला हिस्सा किसी राजा का होगा, ये वाला हिस्सा किसी और का होगा। तो इस तरीके से रिवर क्या करती थी, पॉलिटिकल डिमार्केशन भी करती थी। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरीके से रिवर्स ने क्या किया, हमको बहुत ज़्यादा हेल्प किया, यानी हमारे इंडिया में जो कल्चर सेटअप हुआ है उसमें रिवर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है नेचुरल फ्रंटियर एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो हमने देखा कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे टेरेन देखने को मिलते हैं, हमारे यहाँ की टोपोग्राफी बहुत डिफरेंट है, यानी हमारे यहाँ पर कुछ एरियाज ऐसे हैं जो रिवर से कवर्ड हैं, कुछ ऐसे हैं जो माउंटेन्स हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, कुछ डेल्टास, कुछ प्लेट्यूज। तो यहाँ पे ये सब ने पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को कॉन्स्टिट्यूट किया, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रूलिंग डायनेस्टी जो थी वो रोज हुई और फैल हुई। धीरे धीरे क्या हुआ, हर एक रीजन की यानी हर एक एरिया की अपनी एक डिस्टिंक्ट कल्चर यूनिट बन गई। ओके, सबका अपना एक ओन स्टाइल तैयार हो गया, सबकी अपनी एक लाइफ थी, अपनी एक लैंग्वेज थी। तो अगर हम फिर भी एक मोटा मोटा देखें तो जो नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है इंडो आर्यन। विंध्यास माउंटेन जो है ये क्या करते हैं, इंडिया को डिमार्केट किया हुआ उन्होंने दो पार्ट में, ऊपर नॉर्थ वाला और नीचे साउथ। तो जो नॉर्थ वाला पार्ट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा इंडो आर्यन बोली जाती है, और जो साउथ वाला पार्ट है यहाँ पर द्रविडियन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा बोली जाती है। और जो विंध्यास रीजन की यानी ये जो इन बिटवीन है यहाँ पर बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं, यानी जो विंध्यास माउंटेन है यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन रहते हैं, ट्राइबल पीपल। ओके, इसके अलावा इंडिया के जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स हैं, अभी ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट कहाँ पर हैं, तो फ्रेंड्स ये जो पेनिनसुलर इंडिया है इसके इस तरफ वाले तो हैं वेस्टर्न घाट और इसके इस तरफ हैं ईस्टर्न घाट। ओके, तो ये जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स हैं इन्होंने ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया, क्योंकि यहाँ पे बहुत रिच वैरायटी मिलती थी यहाँ पे स्पाइसेस की, यानी बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स यहाँ पे मिलते थे, इसकी वजह से जो ट्रेडर्स थे वो बड़ा अट्रैक्ट हुआ हमारे यहाँ पे, और हमारे यहाँ का फॉरेन ट्रेड जो था बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ। एंशियंट टाइम में हमारे यहाँ पर इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी होती थी कम्युनिकेशन की, लेकिन फिर भी लोग
मूव करते थे नॉर्थ से साउथ में और साउथ से नॉर्थ में, क्योंकि इनकी कुछ ज़रूरतें थी जिनको उनको पूरा करना बहुत ज़रूरी होता था। और इसी वजह से जब नॉर्थ से साउथ में लोग गए, साउथ से नॉर्थ में गए, तो क्या हुआ, फिर से कल्चर मिक्स हुआ, है ना, और इससे न्यू न्यू लैंग्वेजेस जो थी वो इवॉल्व हुई। बेशक से बहुत सारा मतलब हमारे यहाँ पर वेल डिफाइंड नेचुरल फ्रंटियर्स थे, लेकिन हर एक, आपको ये चीज़ पता होगा कि बेशक से आप कितनी भी ज़्यादा रिच हो, लेकिन हर एक रिसोर्स आपके पास नहीं मिलता, आपको बाहर जाना ही पड़ता है उन रिसोर्सेज के लिए। तो सेम ऐसे ही है, तो बेशक से स्टेट्स बन गए, टेरिटोरियल यूनिट क्रिएट होनी स्टार्ट हो गई, तो हर एक यूनिट अपने यहाँ पे रिसोर्सेज ग्रो नहीं कर सकती थी, तो उनको अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए दूसरी जगह पर जाना ही पड़ता था। और इसी वजह से लोगों की एक नीड थी एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना। तो यही जो नीड थी प्री हिस्टोरिक टाइम में, और आज भी ये चीज़ें हो रही हैं कि बहुत सारे रिसोर्सेज के लिए एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना पड़ता था, जाना पड़ता था और ट्रेड करना पड़ता था। तो इसी की वजह से हमारे यहाँ पे इंटरकनेक्शन हुआ डिफरेंट डिफरेंट रीजन का, राइट। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। आप बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे मिनरल्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, मिनरल्स एंड अदर सोर्सेज, तो मिनरल्स जो हैं वो ऐसा थोड़ी कि एक जगह पे ही सब कुछ मिनरल्स मिलेंगे, वो जगह जगह डिफरेंट डिफरेंट जगह पे मिलते हैं वो मिनरल्स। और ये मिनरल्स कैसे डेवलप होते हैं, किस तरीके से होते हैं, ये भी हम ज्योग्राफी में अच्छे से जानेंगे, ओके। तो जब तक ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट नहीं हुआ था, तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पहले बारिश होती थी, तो बारिश की वजह से जितने भी प्लेन एरियाज़ हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट एरियाज़ बन गए, यानी बहुत थिक फॉरेस्ट यहाँ पे जनरेट हो गए। और आपको पता है फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे हमें लकड़ी मिलती है, फ्यूल मिलता है, यानी बहुत सारी चीज़ें हमें इनसे मिलती हैं, ठीक है, बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि फॉरेस्ट हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो जब पहले के टाइम पे क्या होता था, लोग इतने ज़्यादा रहते भी नहीं थे, नॉर्मली वो नेचुरल एनवायरनमेंट में ज़्यादा रहते थे, या जैसे हिली एरियाज़ में जो गुफाएं होती थी वहाँ पर इंसान जो थे वो रहते थे, अर्लीस्ट ह्यूमन उस तरीके से अपना सेटलमेंट करता था। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया, तो उनको ज़रूरत पड़ने लगी घर की भी, तो उन्होंने फिर जंगलों को क्लियर करना था उनको, है ना, जंगल काटने पड़ते। लेकिन जंगल काटने के लिए आपके पास औजार होने चाहिए, टूल्स होने चाहिए, और वो टूल्स के लिए आपके पास कुछ मेटल होना चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, तो उसी चीज़ की भी डिस्कवरी स्टार्ट हुई। तो कॉपर जो था इंडिया में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड था, यानी सबसे ज़्यादा कॉपर मिलता था, ओके। और सबसे ज़्यादा रिचेस्ट कॉपर माइन कहाँ पर लोकेटेड थी, छोटा नागपुर प्लेट्यू में, और स्पेशली जो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की, वहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉपर मिलता था। तो सबसे पहले जो अर्लीस्ट पीपल थे, उन्होंने कॉपर इम्प्लीमेंट्स को यूज़ किया था बिहार में। और क्यों किया था इन्होंने, जिससे ये हजारीबाग और सिंहभूम में जो माइंस हैं कॉपर माइंस, उनको एक्सप्लॉइट कर सकें। और बहुत सारे कॉपर टूल्स भी डिस्कवर किए गए, कहाँ पर, बिहार के साउथ वाले पार्ट में, और इसके बाद एमपी में, और हमारे यहाँ पे राजस्थान की जो खेतरी माइंस हैं, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कॉपर मिलता था, और अभी भी मिलता है। तो ये जो कॉपर माइंस, ऐसा नहीं है कि बाद में मतलब लोगों ने इसको डिस्कवर किया, ये प्री वैदिक जो पीपल थे उन्होंने भी इसको टैप किया था, और जितने भी वैदिक पीपल थे उन्होंने भी इसको टैप किया था। अब हम ये देखेंगे आगे की क्लासेस में कि ये वैदिक एज क्या थी और ये प्री वैदिक एज क्या था, ये सब हम चीज़ पढ़ने वाले हैं, तो आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो, ओके। और ये जो प्री वैदिक और वैदिक पीपल थे, ज़्यादातर कहाँ रहते थे, पाकिस्तान, राजस्थान, गुजरात, गंगा यमुना दोआब थे, उनके आसपास ये लोग ज़्यादा रहते थे। अब ये दोआब क्या होते हैं, दोआब का मतलब होता है दो प्लस आब, यानी कि दो आब का मतलब होता है नदियाँ, तो दो नदियों के बीच का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं दोआब, ओके। तो गंगा यमुना दोआब के आसपास लोग बहुत ज़्यादा सेटल थे। इसके अलावा हमने भी क्या देखा कि कॉपर जो था ये पहला मेटल था जिसको यूज़ किया गया था। तो आज भी अगर आप देखेंगे तो जो हिंदूज हैं वहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा प्योर माना जाता है, और जो रिलीजियस हमारे रिचुअल होते हैं उसमें इनके बर्तनों को, यानी कॉपर के बर्तनों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ओके। इसका रीज़न यही है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इंडिया में आज भी टिन प्रोड्यूस नहीं होता, और यही कंडीशन एंशियंट टाइम में भी थी, यानी प्राचीन काल में भी हमारे यहाँ पर टिन जो था बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था, मिलता ही नहीं था। ये राजस्थान है, ओके, ये राजस्थान लिखा हुआ है। तो राजस्थान या एमपी का जो साउथ वाला हिस्सा है, या बिहार, यहाँ पे थोड़ा बहुत टिन था, लेकिन बाद में ये बहुत ज़्यादा मतलब एग्जॉस्ट कर लिया गया था। तो ब्रॉन्ज जो होता है, ब्रॉन्ज एक मेटल है, वो कैसे बनता है, वो टिन और कॉपर को मिला के बनता है। तो जब हमारे यहाँ पे टिन था ही नहीं, तो हमको इसकी कमी रहने लगी, तो इसीलिए इंडिया में कभी ब्रॉन्ज एज आई नहीं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि हमारे यहाँ पे टिन था नहीं, हमारे यहाँ पे सिर्फ कॉपर था। और ब्रॉन्ज कैसे बनता है, टिन और कॉपर को मिला के बनता है। और ब्रॉन्ज एज सबसे ज़्यादा कहाँ पर फ्लरिश हुई थी, रोमन एम्पायर। तो जो हरप्पन्स थे, यानी जो हरप्पा, हम जानेंगे इनके बारे में भी, हरप्पन्स के बारे में भी, तो ये कहाँ से प्रोक्योर करते थे, राजस्थान से टिन को प्रोक्योर करते थे, लेकिन यहाँ पर भी सप्लाई बहुत लिमिटेड थी। उनकी जो मेन सप्लाई थी वो कहाँ से आती थी टिन की, अफगानिस्तान से आती थी, लेकिन ये भी लिमिटेड थी,
क्योंकि टिन बहुत ज़्यादा हमारे एरियाज में नहीं होते थे, तो इसीलिए इंडिया में कोई भी प्रॉपर ब्रॉन्ज एज नहीं आई कभी भी। ये चीज़ याद रखना है कि हमारे यहाँ प्रॉपर ब्रॉन्ज एज नहीं आई। लेकिन इंडिया में आयरन ओर जो था वो बहुत ज़्यादा पाया जाता था। और कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता था? साउथ बिहार में, एमपी के ईस्टर्न पार्ट में, एमपी यानी मध्य प्रदेश और कर्नाटका में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता था। और जब एक बार इंसान ने सीख लिया कि किस तरीके से इसको स्मेल्ट किया जाता है, स्मेल्ट का मतलब क्या होता है, आयरन ओर से आयरन को अलग करना, उसको बोलते हैं स्मेल्टिंग। तो जब इंसान ने ये कला भी सीख ली, उसके बाद में हमारे यहाँ पर आयरन के औजार बनने शुरू हुए। ठीक है, जैसे कि कुल्हाड़ी हो गया, ये सब चीज़ें बनी यहाँ पे स्टार्ट हुई। और जब ये कुल्हाड़ी बननी शुरू हुई तो फिर जंगलों को क्लियर करना स्टार्ट कर दिया गया। तो अभी हमने देखा था ना कि वहाँ पर जंगल बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, अब वहाँ पे खेती करनी है तो जंगलों को हटाना पड़ेगा, और जंगल हटाने के लिए चाहिए औजार। तो औजार कैसे बनेंगे? वो आयरन से बनेंगे। तो जब इंसान ने स्मेल्टिंग सीख लिया तो आयरन से औजार बनने शुरू हो गए, और फिर उन्होंने जंगल को क्लियर किया, काटना शुरू किया, और फिर वहाँ पर खेती स्टार्ट की, यानी कि एग्रीकल्चर करना वहाँ पे स्टार्ट किया। इसके अलावा आंध्र प्रदेश जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज पाए जाते हैं, लेड रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा वहाँ पाए जाते हैं। और यहाँ पर इतना ज़्यादा पाया जाता है कि जो सतवानास का टाइम पीरियड था, यानी सतवाना जो डायनेस्टी थी, वहाँ पे बहुत सारे लेड के कॉइन जो हैं वो देखने को मिलते हैं। और पहले के जो कॉइन्स होते थे वो पंच मार्क्ड कॉइन्स होते थे। पंच मार्क्ड कॉइन्स का मतलब क्या होता है? जो कॉइन्स होते हैं उस पर कुछ पंच कर देते हैं, यानी कोई भी एक पर्टिकुलर साइन बना दिया जाता है तो उनको पंच मार्क्ड कॉइन कहा जाता है। तो ज़्यादातर वो कॉइन्स जो होते थे वो सिल्वर के होते थे, लेकिन मेटल बहुत ही रेयर था इस हमारे इंडिया में, इसीलिए बाद में नॉर्मली हम लोग नॉर्मल कॉइन्स पे आ गए, जैसे कॉपर कॉइन्स वगैरह हो गए, इस पर हम लोग आ गए थे। इसके अलावा फ्रेंड्स, गोल्ड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटल था, और ये ज़्यादातर जो रिवर डिपॉजिट्स हैं वहाँ पे ज़्यादा ये मिलता था। प्लेन ये जो डिपॉजिट्स होते थे गोल्ड डस्ट के, इसको बोलते थे प्लेसर। तो जो गोल्ड है सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? कर्नाटका की कोलार गोल्ड फील्ड्स में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गोल्ड पाया जाता है। और बहुत ज़्यादा जो अर्ली ट्रेस मिलते हैं हमारे यहाँ पे गोल्ड के, वो कहाँ कब मिलते हैं? वो न्यू स्टोन एज जब आई थी उस टाइम पे देखने को मिलते हैं, लगभग 1800 BC में। और कहाँ पर? कर्नाटका में। तो यहाँ पर गोल्ड के सबसे पहले ट्रेस देखने को मिले थे। ज़्यादातर जो गोल्ड यूज़ किया गया था वो सेंट्रल एशिया में किया गया था, यानी एशियन कॉन्टिनेंट जो है वहाँ पर, जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते थे, और स्पेशली रोमन एम्पायर में। तो जो गोल्ड कॉइन्स थे इनका रेगुलर यूज़ ज़्यादा कब देखा जाता है? 1st 5 सेंचुरी जो थी कृष्ण ईरा की, उस टाइम पर गोल्ड का एक रेगुलर यूज देखने में मिलता है, कि उस टाइम पर लोग बहुत ज़्यादा गोल्ड को इस्तेमाल करते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो लोकल रिसोर्सेज हैं वो इनसफिशियंट थे गोल्ड करेंसी को मेंटेन करने के लिए, इसलिए धीरे धीरे क्या हुआ, इसकी सप्लाई कम हो गई और गोल्ड कॉइन्स जो थे वो रेयर हो गए, यानी ये बहुत धीरे धीरे बहुत कम मिलने लगे थे ये। फिर एंशियंट टाइम में हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रीशियस स्टोन की वैरायटी देखने को मिलती थी। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोती, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टोन देखने को मिलते थे, और स्पेशली कहाँ पर? सेंट्रल इंडिया में, ओडिशा में, आज का ओडिशा, पहले उसको उड़ीसा कहते थे, और साउथ इंडिया में, यहाँ पर बहुत ही प्रीशियस स्टोन जो थे वो प्रोड्यूस किए जाते थे। और इनका मार्केट कहाँ पर था? इनका मार्केट था रोमन एम्पायर, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते थे हमारे यहाँ के स्टोन्स को। तो इस तरीके से भी वहाँ पर ट्रेड स्थापित हुआ हमारा सेंट्रल एशिया के साथ में, राइट? तो फ्रेंड्स, ये था हमारा कुछ इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में। तो आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा, और अगर आपको चैप्टर देखने के बाद में कोई भी डाउट आता है तो आप अपने डाउट को हमसे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज पर क्लैरिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने डाउट हमसे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है @सिविल सेक्शन। आप अपने डाउट हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है civilsection2018@gmail.com। और इसके अलावा आप अपने डाउट हमारी वेबसाइट पर भी पोस्ट कर सकते हैं जिसका एड्रेस है www.civilsection.com। और फ्रेंड्स, हमारे वीडियोस देखने के बाद में अगर आपको लगता है कि हमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं, आपके सजेशंस को वेलकम किया जाएगा, और अगर हमें सही लगेंगे तो हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में उनको ज़रूर शामिल करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।